भारतीय जनता पार्टी की जो तानाशाहीपूर्ण रवैया है वो लोकतांत्रिक मूल्यों को, मर्यादाओं को हमेशा तार-तार करता है। सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया है कि सबसे बड़ा करप्शन अगर कोई हुआ तो चुनाव के चंदे के माध्यम की नीति से, और जो 70 साल कांग्रेस पार्टी को सबसे ज़्यादा आरोप लगाने वाले लोग थे उन लोगों के खातों में हजारों करोड़ रुपए 5-7 साल में चले गए, और 70 साल में कांग्रेस पार्टी के पास सैकड़ों करोड़ भी नहीं। ये एहसास क्या कराता है कि करप्ट सत्ताधारी लोग नरेंद्र मोदी है, भारतीय जनता पार्टी। अब अलोकतांत्रिक इतना कि सैलरी जो दी गई कर्मचारियों को उसके खातों को सील कर दिया बिना बताए, ये व्यवहार भारतीय जनता पार्टी का, उसकी एजेंसियों का। मैं मानता हूँ कि देश देखे, समझे, और इस क्रूरता और अन्यायपूर्ण कार्रवाई के लिए नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार दोषी है। कांग्रेस ने अपनी पूरी बात नेशनल स्तर पर कही है और आने वाले समय में जनता देख के उनको सबक सीखे। सर, बार-बार उद्घाटन हो गया, लोकसभा की तैयारी नेचुरल है, स्वाभाविक है कि हमने बार रूम लोकसभा के लिए स्थायी रूप से चालू किया है, जिसमें राजनीतिक गतिविधि, राजनीतिक विचार आदान प्रदान, कन्वर्सेशन, इस माध्यम से आपकी नीतियों को जन जन तक सोशल मीडिया के माध्यम से, आईटी के माध्यम से कैसे पहुँचाई जाए, जूम मीटिंग के कंसेप्ट को और ताकत कैसे दी जाए, इस नई विधा को ईजाद किया गया है जो लोकसभा चुनाव को दृष्टिगत तो है ही है। उसकी डेस्क बनाई गई लोकसभा वाइज और उसके रिक्रूटमेंट किया गया, उसके साथ साथ स्थायी रूप से इन हाउस इस तरह का प्रोसेस कांग्रेस पार्टी ने चालू किया मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी में, जो 5 साल 24 घंटे जैसे दूसरे विभाग डिपार्टमेंट काम करते हैं वैसे ही वार रूम। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।